हेलो फ्रेंड्स नमस्कार कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स आज मैं बहुत ही सुंदर गर्ल्स सॉक्स बनाने जा रही हूं जिसको बनाना बहुत आसान है बहुत जल्दी बन जाती है देखने में बहुत सुंदर लगती है वूल भी बहुत कम लगती है फ्रेंड्स मैंने ये कलर लिया है कलर आप अपनी पसंद का को कोई भी ले सकते हैं वर्धमान की थ्री प्लाई की वूल है फ्रेंड दस नंबर की सिलाई ली है और ये मैंने फ्रेंड्स फिफ्टी फंदे डाले हैं सीधी साइड उल्टी साइड दोनों साइड से उल्टा उल्टा बुनते हैं फ्रेंड मैंने इसकी एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सतरह अठारह उन्नीस उन्नीस पलवाइस रो बनाई है यानी मैंने अट्ठतीस सिलाइयाँ की हैं सीधी साइड उल्टी साइड दोनों साइड से उल्टा, उल्टा उल्टा बुनते हैं तो एक पल पलवाई रो बनती है तो मैंने इसकी अट्ठतीस सिलाइयाँ की हैं एक पल पलवाई रो अब हम एक और बनाएंगे पहला फंदा उतार लेंगे फिर सभी फंदों को फ्रेंड्स हम उल्टा, उल्टा उल्टा बुनेंगे ये सीधी साइड है फ्रेंड्स उल्टा उल्टा बुन के फ्रेंड्स हम ये पूरी रो कंप्लीट करके हम उल्टी साइड पे आएंगे उल्टी साइड से सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन के पूरी रो कंप्लीट करके हम सीधी साइड पे आएंगे तो फ्रेंड हमारी अब टोटल बीस पलवाई रो बन गई है उन्नीस पहले थी एक पलवाई रो हमने और बना ली तो टोटल बीस पलवाई रो हो गई है अब हम सीधी साइड पर आए अब हम क्या करेंगे यहाँ पर दस फंदे हम बंद करेंगे यानी कम करेंगे एक दो तीन चार पच सात, आठ नौ दस दस फंदे हमने यहाँ पे बंद कर लिए अब उसके बाद क्या करेंगे सभी फंदों को हम उल्टा उल्टा बुनेंगे उल्टा उल्टा बुन के फ्रेंड्स हम पूरी रो कंप्लीट करके हम उल्टी साइड पे आएंगे तो फ्रेंड अब उल्टी साइड पे आ गए हैं जिस तरह से हमने सीधी साइड पे फ्रेंड दस फंदे कम किए थे उसी तरह हम उल्टी साइड पे भी दस फंदे कम करेंगे एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस तो दस फंदे हमने यहाँ पे भी कम कर लिए उसके बाद फिर सभी फंदों को हम उल्टा उल्टा बुनेंगे उल्टा उल्टा बुन के फ्रेंड्स हम ये पूरी रो कंप्लीट करके हम सीधी साइड पे आएंगे ये देखिए फ्रेंड दस फंदे में इस साइड कम किए दस फंदे हमने इस साइड कम किए हमारे यहाँ पे टोटल फंदे रह गए हैं दो चार छ आठ दस बारह चौदह सोलह अठारह बीस बाईस चौबीस छब्बीस अट्ठाईस तीस इकतीस टोटल फिफ्टी वन इक्काउंट फंदे थे दस इस साइड कम किए दस इस साइड कम किए और यहाँ पे हमारे रह गए थर्टी वन यानी इकतीस फंदे रह गए अब फ्रेंड्स हमने सीधी साइड उल्टी साइड दोनों साइड से उल्टा उल्टा नहीं बुनना अब हम यहाँ पे बॉर्डर बनाएंगे तो फिर पहला फंदा उतार लेंगे एक फंदा हम उल्टा बुनेंगे एक फंदा हम सीधा बुनेंगे एक फंदा उल्टा बुनेंगे एक फंदा हम सीधा बुनेंगे एक फंदा उल्टा बुनेंगे एक फंदा हम सीधा बुनेंगे एक फंदा, बुनेंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे एक फंदा सीधा बुनेंगे इस तरह से हम ये पूरी सिलाई यहाँ तक कंप्लीट करके हम उल्टी साइड पे आएंगे तो फ्रेंड लास्ट में हमारा ये फंदा सीधा आएगा उल्टी साइड पे आ गए उल्टी साइड पे, पे क्या करेंगे फ्रेंड्स फ्रेंड जो फंदे सीधे दिखाई दे रहे हैं उनको सीधा बुन लेंगे जो फंदे उल्टे दिखाई दे रहे हैं हम उनको उल्टा बुन लेंगे तो फ्रेंड पहला फंदा उल्टा दिखाई दे रहा है इसको उल्टा बुन लेंगे ये फंदा सीधा है इसको सीधा बुन लेंगे फिर ये फंदा उल्टा ये फंदा सीधा दिखाई दे रहा है सीधा बुन लेंगे फ्रेंड जो फंदे उल्टे दिखाई दे रहे हैं उनको उल्टा बुन लेंगे जो फंदे सीधे दिखाई दे रहे हैं हम उनको सीधा बुन लेंगे तो फ्रेंड एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा बुनते हैं फ्रेंड्स हम पूरी रो कंप्लीट करके हम सीधी साइड पे आएंगे तो ये देखिए फ्रेंड इस तरह से बॉर्डर दिखाई देगा आगे सीधी साइड पे भी क्या करेंगे जो फंदे सीधे दिखाई दे रहे हैं सीधे बुन लेंगे जो फंदे उल्टे दिखाई दे रहे हैं हम उनको उल्टा बुन लेंगे पहला फंदा सीधा इसको उतार लेंगे वो अपनी तरफ लाएंगे इस फंदे को उल्टा बुन लेंगे ये फंदा सीधा दिखाई दे रहा है इसको सीधा बुन लेंगे तो फिर जो फंदे हमें सीधे दिखाई दे रहे हैं सीधा बुन लेंगे जो फंदे उल्टे दिखाई दे रहे हैं हम उनको उल्टा बुन लेंगे सीधी साइड उल्टी साइड दोनों साइड से हम तो फ्रेंड एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा बुनते हैं ये पूरी रो कंप्लीट करके हम उल्टी साइड पे आएंगे फिर हमने क्या करना है हमने जो फंदे सीधे दिखाई दे रहे हैं उनको सीधा बुन लेंगे जो फंदे उल्टे दिखाई दे रहे हैं हम उनको उल्टा बुन लेंगे फिर दोनों साइड से हमने इसी तरह से ये बुनाई करनी है तो फिर मैंने बत्तीस सिलाइयों तक इसको बना लिया है अब हम क्या करेंगे अब यहाँ पे फंदे कम करेंगे दो फंदों का, फंदो का एक करेंगे दो फंदों का एक करेंगे दो फंदों का एक करते जाएंगे अब हम क्या करेंगे अब हम इस सॉक्स की सिलाई करेंगे जितनी वूल हमें चाहिए सिलाई के लिए उतनी उतनी वूल रख के बाकी वूल हम काट देंगे फिर अब हम क्या करेंगे अब इन सभी फंदों को हम इस सुई में ले लेंगे तो फिर मैंने यहां से लेके यहां तक सिलाई कर दी है अब यहां से लेके यहां तक सिलाई करेंगी मैंने यहां से लेके यहां तक सिलाई कर लिया अब इस सॉक्स को हम सीधा करेंगे अगर इसके साथ ही फ्रेंड बहुत ही सुंदर सॉक्स बनकर तैयार होगी है अब इसमें कितनी वूल लगी है वो भी मैं आपको बता देती हूँ फ्रेंड सिर्फ अट्ठारह ग्राम वूल में ये हमारी सॉक्स बनकर तैयार होगी है तो दोनों सॉक्स में छत्तीस ग्राम वूल लगेगी फिर इस सॉक्स के ऊपर मैंने पम्पम लगाया है आप अपनी पसंद का को कोई भी फैंसी बटन भी लगा सकते हैं तो इसके साथ ही फ्रेंड बहुत ही सुंदर शॉर्ट पहन कर तैयार हो गई है ये तीन और चार फुट साइज़ वालों को बड़े आराम से आ जाएगी की साइड फ्रेंड इस तरह से दिखाई देगी वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए शेयर कीजिए अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए सब्सक्राइब के साथ बेल बटन को दोबारा मत बोलिए ताकि जो मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए बाय बाय